अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तमाम लड़कियों, उम्मीद करती हूँ तमाम ठीक ठाक होंगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोग के साथ एक मेकअप किट में बनाऊंगी, आपको बताऊंगी भाई कौन कौन से असेंशियल्स आप लोग को चाहिए आते हैं या हमारे मेकअप किट में होने चाहिए लाजमी। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी, इसलिए भी कि जो लड़कियां कॉलेजेस जाती हैं और यूनिवर्सिटी जाती हैं उनके बैग में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, छोटे से पाउच में मेकअप को कैरी करके ले जा सकती हैं, अपना हर एक प्रोडक्ट वो इस पाउच में ले जा सकती हैं। बजट फ्रेंडली भी होगा, बिगिनर फ्रेंडली भी होगा, और ये जो है ना आप वेडिंग्स पर भी इस मेकअप कलेक्शन को या इस मेकअप बैग को कैरी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों की डिटेल बताऊँगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने इसमें एड ऑन की हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले जी बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन हमेशा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने शेड के अकॉर्डिंग ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ लॉरियल की 24 आवर्स इनफेलेबल मेट फाउंडेशन, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। जिनकी ड्राई कॉम्बिनेशन कोई भी स्किन हो वो अपने ही शेड टोन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे बीबी क्रीम की। बीबी क्रीम हर लड़की इस्तेमाल करती है, फाउंडेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें आपने शेड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एवरीडे के लिए ये लाइट कवरेज होती है। गार्नियर की बीबी क्रीम 100% रिकमेंडेड है। आजकल थोड़ी सी महंगी हुई हुई है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन पे दाने वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलते इस क्रीम से। थर्डली हमारे पास आ जाता है कंसीलर। कंसीलर यही मेरा मोस्ट फेवरेट है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये एज रिमाइंडर है मेबिलिन का, आप कोई भी ले सकते हैं अपने शेड के अकॉर्डिंगली। मैं ये यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ, ये वाला मेरा शेड है 00 आइवरी। तो कंसीलर भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है आपकी मेकअप किट में। फोर्थली वी हैव टू टॉक अबाउट एसटी लंदन का कॉम्पैक्ट पाउडर, विच इज़ फुली कवर्ड कॉम्पैक्ट पाउडर, जो फुल कवरेज होता है ना वो वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो अगर आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम ना भी लगाएं तो आप ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर एज अ फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं ब्लशन का नंबर। ब्लशन आप एक ही अपने पास ऐसी किट रख लें जिसमें हर शेड हो, ताकि अगर आप उसे आई शेडो के तौर पे भी इस्तेमाल करें तो आप कर सकती हैं। एज अ ब्लशन भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं टिंट की। टिंट बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंड में है, और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जितनी भी लड़कियाँ जाती हैं तमाम इस्तेमाल करती हैं, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। इसका बहुत प्यारा सा कलर है, पिंक सा स्पा इन अ बॉटल का है, मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है। तो टेंट जो है ना वो मस्ट है आपके मेकअप बैग में, तो इस चीज़ को भी आपने एड ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब बात करते हैं जी आई शेडो की। आई शेडो पैलेट आपने छोटी सी मिनी सी कोई भी लेनी है जिसमें न्यूट्रल शेड्स हों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा पिंक वगैरह शेड्स आपने नहीं लेने, वो हमारी ब्लश किट में आ जाएंगे। हमने न्यूट्रल शेड्स लेने हैं। ये जोइवा की ओरिजिनल आई शेडो पैलेट है, इसमें बहुत प्यारे प्यारे से आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि आप एवरीडे बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप इसको जो है ना वो पार्टी वेयर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस छोटी सी किट है, आपके बैग में इजीली आ जाएगी। देन बात करते हैं लिप शेड्स की। यहाँ पे मैं आपके साथ तीन शेयर करूँगी। सबसे पहले बुलेट लिपस्टिक लाजमी है, आपने रखनी है, मेरी मोस्ट फेवरेट है। द हुदा ब्यूटी की इंटरव्यू इन द शेड इंटरव्यू, इसका ये जो शेड है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी कवरेज भी काफ़ी है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छा वर्क करती है, लाइक 100% रिकमेंडेड है। कई पेजेस पे सेल लगती है तो आपको ये मुनासिब मिल जाती है। मैंने 3500 की बाय की थी। अगर आप चाहते हैं तो इसी शेड में कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी क्रेयॉन की। ELF का क्रेयॉन है मेरे पास, इसका क्रेयॉन बहुत अच्छा है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है, रीजनेबल है, 1200 का आपको मिल जाएगा। मेबलिन के भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं आजकल, 1700 1800 के हो गए, तो आप ELF को ट्राई कर सकते हैं। शेड यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा स्वच्छ ये वाला शेड है, बहुत अच्छा लगता है। कॉलेजेस जो कॉलेज जाती हैं लड़कियां उन पे बहुत सूट करेगा ये वाला। थर्ड मैंने थोड़ा सा पिंकिश पे रखा है, क्योंकि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होंगे तो समटाइम्स इंसान का दिल करता है कि वो थोड़ा सा ब्राइट कलर भी अप्लाई करे। तो ये वाला पिंक कलर NYX कॉस्मेटिक्स का है, इसको मैंने सेल में 550 का बाय किया था बिग गैलरी से। तो आप तमाम चीज़ें अफोर्डेबल ही अपने तरीके से ले सकते हैं। शेड मैंने आपको साइड पर दिया हुआ है। ये है जनाब आईलाइनर ब्यूटीफाई बाय आमना का। आईलाइनर मस्ट है, आपको पता है जो लड़कियां बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती वो मस्कारा, आईलाइनर, लिप टिंट
और चीक टिंट ज़रूर अप्लाई करती हैं। तो हमारे मेकअप बैग में तो आईलाइनर का बहुत बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट रोल है। ये वाला रोल आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको लाजमी रखना है। ये भी मैंने सेल में बड़ा सस्ता लिया था, 300-400 रुपये का लिया था। काफ़ी ज़्यादा सेल्स ब्यूटीफाई बाय आमना पे चलती हैं और ये लाइनर जो है ना वो सूखता नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वाला दोबारा से बाय किया है। मस्कारा की बात करते हैं, मस्कारा हर लड़की लगाती है, जिसकी छोटी आईज हों, जिसकी बड़ी हों, कुछ भी हो, मस्कारा बिल्कुल नहीं भूलना, बस आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। ये मेकअप बैग में लाजमी जाएगा, क्योंकि इसके बगैर हमारा दिन नहीं शुरू होता। हमारी आंखें बड़ी थकी थकी हुई सी लगती हैं। हमने कंसीलिंग के बाद मस्कारा लगा लेना है एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। लास्ट में आ जाता है मिरर। मिरर आपने ज़रूर अपने बैग में रखना है, अपने कॉस्मेटिक्स बैग में। अगर आप मिरर नहीं रखेंगे तो मेकअप कैसे करेंगे? तो ये है जी लास्ट स्टेप। और ये मेकअप बैग जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, आप 6-7 हज़ार के अंदर अंदर ये वाला मेकअप बैग अपना बना सकते हैं। जो लड़कियां कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनको कोई आइडिया चाहिए तो मेरी ये वीडियो देखकर उन्हें उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला होगा। ये तमाम चीज़ें मैं ऐड ऑन कर रही हूँ इस पाउच में, और पाउच में आपके सामने बंद करूँगी। और उम्मीद करती हूँ इतनी सी थी आज की ये वीडियो, आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ के बारे में तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकती हैं। और ये किट मैंने अपने लिए भी बनाई है, आपको भी रिकमेंड करती हूँ, ज़रूर ज़रूर रखिएगा। आप अपने जो है ना, जब आप कहीं ट्रेवल करें उस बैग में रख सकते हैं। आप अपने इस मेकअप बैग को इजीली कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।